बात हो रही है कि चारों शंकराचार्य राम मंदिर की प्रतिष्ठान में शामिल नहीं हो रहे। प्रधानमंत्री जी मूर्ति का स्पर्श करके उन्हें प्रतिष्ठित करेंगे, गर्भगृह में वो लोग रहेंगे और बाहर ताली बजाते हुए हम शंकराचार्य रहेंगे। और इसी बीच ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक और बड़ी बात द वायर के इंटरव्यू में करण थापर से कही है कि हमें आमंत्रित ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वो बुलावे पर भी ना जाते क्योंकि मंदिर अधूरा है, लेकिन ये कहना भी गलत है कि उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया, क्योंकि सच तो ये है कि उन्हें निमंत्रण दिया ही नहीं गया। Why have you refused the invitation to the pran pratishtha of the Ram Mandir in Ayodhya on the 22nd of January? देखिए, हमने किसी आमंत्रण को रिफ्यूज नहीं किया। सच बात यह है कि हमें आमंत्रित ही नहीं किया गया अभी तक। अभी तक आपको इन्विटेशन नहीं मिला? जी, इसलिए हमारे ऊपर ये कोई आरोप नहीं लगा सकता कि हमने आमंत्रण ठुकरा दिया। इसकी वजह क्या हो सकती है कि उन्होंने अभी तक आपको इन्विटेशन नहीं दिया? ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए जो लोग निमंत्रण पत्र आमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। ये उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्यों नहीं भेजा। सिर्फ आपको नहीं भेजा, ये दूसरे तीन शंकराचार्यों को भी नहीं भेजा? नहीं, हम उनके बारे में कैसे कुछ कहें, अपने बारे में हम कह सकते हैं, वो कह रहे हैं। Do you see this as an insult? कह नहीं सकते। ट्रस्ट का क्या विचार है ये तो ट्रस्ट ही बता सकता है। हम लोगों ने राम जी की जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए जो हमारा कर्तव्य था उसका निर्वाह किया है और इस बात का हमारे मन में संतोष है। Were you expecting to be invited? Are you upset you haven't been invited? नहीं नहीं, ऐसी कोई आकांक्षा हमारे मन में नहीं है कि हमें वहाँ आमंत्रित किया जाए। सच बात यह है कि अगर वो आमंत्रित भी करते तब भी हम वहाँ नहीं जाने वाले थे। ये मुझे समझाइए प्लीज, क्यों नहीं जा जाते? इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि शंकराचार्य जी के सामने अगर कुछ अशास्त्रीय होता है, अशास्त्रीय का मतलब है शास्त्रों के आदेशों के विपरीत अगर कोई आचरण होता है तो वो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी धर्म कार्य हों वो शास्त्रों के निर्देश पर हो। सोचिए, हिंदू धर्म के रखवाले माने जाने वाले चार मठों में से एक शंकराचार्य खुलकर बता रहे हैं कि राम मंदिर का की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पर उन्हें बुलाया तक नहीं गया है। मतलब इन सब लोगों को पहले बुला लिया, विपक्ष में अखिलेश यादव और सोनिया गांधी तक को निमंत्रण भेज दिया, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, नारायण मूर्ति जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट तक को निमंत्रण दे दिया, फिल्म कलाकारों को भी इनविटेशन भेज दिया है और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य को निमंत्रण तक नहीं दिया। तो राम मंदिर राजनीति का सिंबल है या नहीं, वो तो इसी बात से आप समझ जाइए। जय श्री राम का नारा धर्म कम और वोट का नारा ज्यादा है, क्या अब भी आपको इस बात पर शक है? क्या आप शंकराचार्यों के बारे में जानते हैं और कौन थे आदि शंकराचार्य जिनकी लेगेसी चला रहे हैं ये चारों मठ के शंकराचार्य? आइए आज आपको सबसे पहले बताएं इन शंकराचार्यों के बारे में। ये शंकराचार्य चार मठों को हेड करते हैं। एक है गुजरात के द्वारका में, दूसरा उत्तराखंड का जोशी मठ, तीसरा ओडिशा के पुरी में, चौथा श्रृंगेरी कर्नाटक में। इन चारों मठों की स्थापना 8वीं शताब्दी के धार्मिक विद्वान और दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने की थी। इनके बारे में आज हम बात क्यों कर रहे हैं पहले ये जान लीजिए। चारों शंकराचार्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में नहीं जाने वाले। श्रृंगेरी और द्वारिका के शंकराचार्यों ने जहां इसका कारण नहीं बताया है, वहीं जोशी मठ और पूरी मठ के शंकराचार्यों ने काफी बेबाकी से नाराजगी जाहिर की है। ये है पूरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, जिन्होंने 4 जनवरी को पत्रकारों से बात करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, प्राण प्रतिष्ठा मोदी करेंगे, मूर्ति को वो छुएंगे तो मैं वहाँ क्या करने जाऊँ, खड़ा होकर ताली बजाऊँ? शंकराचार्य के पद की प्रतिष्ठा है, मर्यादा है, यहाँ अहंकार की बात नहीं है। हमारे लाडले प्यारे प्रधानमंत्री जी मूर्ति का स्पर्श करके उन्हें प्रतिष्ठित करेंगे, गर्भगृह में वो लोग रहेंगे और बाहर ताली बजाते हुए हम शंकराचार्य रहेंगे, यह क्या शास्त्रीय मर्यादा है? सुनिए, सेकुलर शासन तंत्र का अर्थ यह नहीं है कि परंपरा प्राप्त जो शास्त्रीय मर्यादा है उसका उच्छेद कर दें, भगवान रामभद्र को भी सेकुलर बना दें।
राम जी को ही सौंपता हूँ कि उनके नाम पर जो विसंगति है उसका निवारण करें। और ये है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिन्हें इन दिनों आप काफी बयान देते हुए देख रहे होंगे। इन्होंने कार्यक्रम में न जाने का कारण बताया कि हिंदू रीति रिवाज का पालन नहीं किया जा रहा है। इनका कहना है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में जो लिखा है प्राण प्रतिष्ठा करते वक्त उसकी अनदेखी की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा तब तक नहीं हो सकती जब तक मंदिर का निर्माण पूरा ना हो जाए, और ये जल्दबाजी करने की आखिर क्या जरूरत है? मंदिर अभी पूरा हुआ नहीं है और मंदिर पहले पूरा हो जाने दिया जाए, अभी निर्माण कार्य वहां पर चल रहा है। वो जो यो कह रहे हैं वो लोग अपना करें, उनको उनको उनकी अपनी मजबूरी है। देखिए हमारी मजबूरी कोई नहीं है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं उनकी जरूरत है कि सामने चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है, हमारी मजबूरी नहीं है। अब जल्दबाजी क्यों हो रही है ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है। निर्माण समय पर पूरा ना हो पाया लेकिन चुनाव टल नहीं सकते, और राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरने की पॉलिटिक्स भी तो करनी है। इस कार्यक्रम के बाद सीधा चुनावी कैंपेनिंग में भी तो जुटना है, उसके बाद ये नहीं किया जा सकेगा। और चुनाव के बाद करने से फायदा, जी हाँ फायदा उठाने का मौका नहीं मिलेगा ना। इनका मना करना कितनी बड़ी बात है, मोदी के अरमानों पर कितना पानी फेरने वाला है वो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गोदी मीडिया काम पर लग गया है इनकी बातों को बेकार बताने में। मैं आपको कुछ ट्वीट दिखाती हूँ जिसमें भाषा देखिए, भाजपा आईटी सेल एक्टिवेट हो चुका है धर्म गुरुओं को ही गाली देने में। भाषा देखिए जरा, भक्त मंडली शुरू हो चुकी है अपनी घिसी पिटी मोदी के फैसले के विरोध में, जो आएगा उसे उल्टा सीधा कहने की स्क्रिप्ट पर। तो इन शंकराचार्यों का प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार करना कितनी बड़ी खबर है, उसे समझने के लिए पहले आपको जानना होगा कि आखिर शंकराचार्य कौन है। शंकराचार्य का अर्थ है शंकर के मार्ग का शिक्षक। ये धार्मिक शीर्षक दिया जाता है इन चारों ही मठों के मुखिया को, जिनकी स्थापना 788 से 820 ईसवी में आदिशंकर ने की थी। परंपरा के अनुसार ये वो धर्म गुरु हैं जो आदिशंकर के बाद उनकी टीचिंग्स को आगे बढ़ाने वाले शिक्षक रहे हैं। इंडोलॉजिस्ट पॉल हैकर का कहना है कि 1386 से पहले श्रृंगेरी मठ के मुखिया का कार्यकाल बहुत लंबा होता था, कम से कम 60 साल लंबा, और सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा है विद्याशंकर का, जिन्होंने इस मठ को 105 साल तक संभाला। इसका मतलब यह है कि ये कितना पुराना है इसका हिसाब सिर्फ इसी बात से लगाया गया होगा ताकि आदिशंकर का समय पता लगाया जा सके। ऐसा करने से इन मठों को उनकी लेजिटिमेसी मिलती और जिससे इन मठों को ज्ञान और शिक्षा का केंद्र माना जा सके। आज के दौर में इन मठों में मंदिर हैं, लाइब्रेरी और घर बने हैं। इस संस्था का विस्तृत और गहन दायरा शंकराचार्य की परंपरा को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता है। अब जानते हैं आदिशंकर कौन थे। आदिशंकर का जन्म पेरियार नदी किनारे स्थित कलादी गांव में हुआ था, जिसे आज केरल का एर्नाकुलम जिला कहते हैं। उनके संन्यास लेने के बाद उन्हें पढ़ने लिखने की तरफ खींचने वाले थे गोविंदाचार्य। शंकर का कोई एक ठिकाना नहीं था, वो आध्यात्मिक केंद्रों में जाया करते थे। कई दार्शनिक मान्यताओं को चुनौती देकर उन्होंने मठों की स्थापना की। तमिलनाडु के कांची से लेकर असम के कामरूप तक, कश्मीर से केदार तक, हिमालय के बद्री धाम से काशी और पुरी तक आदिशंकर अद्वैत वेदांत की शिक्षा देने के लिए भारत के कोने कोने तक पहुंचे। 116 किताबों के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। वहीं कई किताबों के लेखक वाकई वो हैं, इस पर विवाद बना हुआ है। शंकर की परंपरा मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा और थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र पर बेस्ड है। उनके भारत भ्रमण को अक्सर हिंदू राष्ट्र की कल्पना से जोड़कर दर्शाया जाता है, और इनके चारों मठ जो चारों दिशाओं में बनाए गए थे वो हिंदू राष्ट्र के इसी प्रोजेक्ट के उदाहरण माने जाते हैं। उनके मठों को हिंदू आस्था और परंपराओं के रखवालों के रूप में देखा जाता है। अब आप समझे कि मान्यता के अनुसार जो हिंदू धर्म के रखवाले माने जाते हों, उन चार मठों के चारों शंकराचार्य अगर एक हिंदू सिंबल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जैसी बड़ी घटना में जाने से ही साफ इनकार कर रहे हों, तो इसका मतलब क्या है? इसका झटका बीजेपी और निजी रूप से मोदी के लिए कितना बड़ा है? और सोचिए, मोदी की सोशल मीडिया की गालीबाज सेना इन्हीं शंकराचार्यों को हिंदू मानने से मना कर रही है, या कांग्रेसी कहकर उन्हें मोदी विरोधी बताने पर तुली है, या ये जताने पर तुली है कि जिस धर्म के नाम पर मोदी राजनीति करते हैं उस धर्म के बारे में उन्हें इन शंकराचार्यों से भी ज्यादा मालूम है। मतलब एक ही मोटिव है इनके पास, मोदी इज ऑलवेज राइट। यानी मोदी जो करे
वो हमेशा सही है। एक ही स्क्रिप्ट है इनके पास, मोदी के किसी काम को गलत बताने की जरूरत जो करे उसे कांग्रेस ही बोल दो, देश विरोधी, हिंदू विरोधी, मोदी विरोधी बोलकर खारिज कर दो। इन सबको देखकर तो लगता है कि इन्हें हिंदू राष्ट्र भी नहीं चाहिए, भक्त मंडली को सिर्फ मोदी राष्ट्र चाहिए, जहां हिंदुओं की भी क्या हैसियत होगी, वो तो शंकराचार्यों पर हो रहे प्रहार, उनके लिए भाषा का इस्तेमाल और अपमान से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। सत्यमेव जयते।